हर बार बोलता हूँ, जिसका कोई गोल नहीं है उसका कोई मोल नहीं है। सबसे पहले गोल निर्धारित करो कि तुम्हें किस एग्जाम के लिए पढ़ना है। अगर एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। जय हिंद दोस्तों, मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव फिटनेस सेंटर में स्वागत करता हूँ। दोस्तों आइए आज हम लोग प्रतिशत के सीरीज में अगले कड़ी में क्लास नंबर 8 देखते हैं। पिछले क्लास में हमने कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखा था, अगर नहीं देखे हैं जरूर देख लें, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन होता क्या है कि जहां वीडियो देख रहे हैं, जिस स्क्रीन पे आप वीडियो देख रहे हैं, इस स्क्रीन के नीचे यहां पे तीर का चिन्ह बना हुआ ऐसे होगा, जब से क्लिक करेंगे तो एक खुलेगी फाइल जिसमें जिसको हम डिस्क्रिप्शन कहते हैं, वहां पे हरा रंग का हाईलाइट लिंक होगी जिसको आप देख सकते हैं। उस पर लिखा हुआ होगा ट्रिकी मैथ, तो जिसमें हम पिछले वीडियो को डाला हुआ हूँ, जरूर देख लेंगे आप। तो आइए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है, देखिए ये सही प्रश्न जो है आप देख सकते हैं, उस पर नीचे लिखा हुआ है एसएससी के सीजीएल सीएचएसएल इत्यादि में आए हुए हैं, तो आप इसका महत्व समझ सकते हैं। प्रश्न आसान भी होते हैं, कठिन भी होते हैं। जब परीक्षा में आप बैठते हैं तो आसान तो सब कर लेंगे, आप भी कर लेंगे, लेकिन कुछ प्रश्न अगर आसान को आप तेज कर लेंगे, टाइम बचा लेंगे, तो अगले सब प्रश्नों में जो जीएस का होगा, करंट का होगा, उसमें आप समय दे पाएंगे। तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है गणित को आप कम से कम समय में लगाएं। आप जानते हैं तो भी उसको ट्रिक्स लगाएं तो फायदा होने वाला है। सच्चाई यही है आपके सामने। आइए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 को। कह रहा है सवाल नंबर 1 आपके सामने है, कह रहा है कि एक्स माइनस वाई का मानी गुणा होता है 50% बराबर है एक्स प्लस वाई का मानी गुणा 30% के। ठीक है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है आपको तो आप इसको इधर लिख कर देखें, इधर मैं लिख दे रहा हूं। कह रहा है ये एक्स माइनस वाई का 50% बराबर है एक्स प्लस वाई के का मने गुणा होता है 30%। तो जब बीच में बराबर है तो पूछ रहा है ये कि एक्स का कितना परसेंट वाई है। तो ध्यान देंगे, अभी पहले हम एक्स वाई का मतलब निकालते हैं, इसका मान निकालते हैं। तो मान से बेहतर अनुपात निकाल लीजिए, जब भी आप आगे अनुपात उपात निकालना है तो यहां से अनुपात निकाल लीजिए। ध्यान देंगे आप, परसेंट कट जाएगा, जीरो भी कट जाएगी। आपको बताया गया है एक्स प्लस वाई संबंध है, एक्स माइनस वाई निकाल लेंगे आप तो आपको फायदा होने वाला है। आपको बताया गया है जो हमने आपको अनुपात पढ़ाया था, अगर नहीं देखे हैं जरूर देख लेंगे, तो अनुपात की भी क्लास हमने 5, 7, 10 ऐसा करके लिया हुआ है। तो वहाँ अनुपात को हम कैसे हल करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से बहुत तेज कैसे करते हैं, वहाँ बताया गया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप जरूर देख लेंगे। तो निकालते कैसे हैं, जो गुणा में होता है, किसी चरों में गुणा में होता है, उसको लघुत्तम ले लेते हैं। तो 5 और 3 लघुत्तम जो होगा 15 हो जाएगा, और जहाँ पे ये है वहाँ किससे गुणा करूँ, इस संख्या 5 में कि लघुत्तम जो 15 आया है उसके बराबर हो जाए। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे 3 लिखूंगा आदि, तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा। तो ये उसका अनुपात आ गया 3। इसको यहाँ कर सकते हैं आप 3 संबंध x प्लस वाई, इसके जगह कितना रखा जाए कि 3 से गुणा करने पर जो लघुत्तम 15 आया था उसके बराबर आ जाए, तो आप कहेंगे 5। तो ये उसका अनुपात आता है। मतलब जब कोई संख्या गुणे में होती है तो हम तुरंत ही उनके लघुत्तम जो कि संख्याएं हैं निकालते हैं, और उन लघुत्तमों को लघुत्तमों के बराबर चरों की जगह संख्या रख करके हम अनुपात निकाल लिया करते हैं। चलिए, तो हम निकाल लिए x प्लस वाई की जो वैल्यू है 5 के अनुपात में आ रही है, x माइनस वाई की जो वैल्यू है
तीन के अनुपात में आ रही है। जब ऐसा होता है तो बीजगणित में ट्रिक होता है, समीकरण बन रहा है तो आप इसको कह सकते हैं ऐसे कि x का जो मान आएगा, जो x का अनुपात आएगा वो कितना आएगा और जो y का अनुपात कितना आएगा, ये पता करने के लिए हम काम करते हैं दोनों अनुपात को जोड़ देते हैं, दोनों अनुपात को हम जोड़ देते हैं और जोड़ करके उसको हाफ करते हैं तो वो x का मान आता है, घटाकर हाफ करते हैं y का मान आता है। तो जब दोनों जोड़ेंगे आप 8 हो जाएगा, हाफ करेंगे 4 हो जाएगा, वह x का मान होगा क्योंकि x दोनों तरफ धन धन ऋण वाला होता है, जो ऋण संख्या वाली होती है उसका मान निकालने के लिए हमें दोनों का अंतर करना पड़ता है जो कि 2 आएगा, फिर हाफ करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये आपका एक्स वाई का अनुपात आ गया, क्योंकि अनुपात बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, अनुपात हमें काफी हेल्प करती है समझने के लिए चीजों को कि कोई किसी कितना गुना है, कितना के बराबर है। तो हमें निकाल लिया, तो पूछा है यहाँ पे एक्स का कितना परसेंट वाई है, एक्स का जिसका कहेगा वो बटा में रहेगा और जो जिसका निकालने का आएगा वो ऊपर रहेगा। तो x का y कितना परसेंट है, तो x का तो x नीचे रहेगा और y ऊपर रहेगी, गुणे हम 100 कर देंगे बस। तो देख सकते हैं दोस्तों y की जो वैल्यू ऊपर है 1 है, x की वैल्यू है यहां से अनुपात में 4 है, अब गुणे आप 100 कर देंगे तो आप पता कर सकते हैं कितना आएगा, तो ये आएगा 25%। तो हम कह सकते हैं कि जो y होगी x का 25% होंगे। दोस्तों सवाल छोटा है लेकिन आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यदि आप सही सिद्धांत को नहीं पकड़ पाए तो आप जरूर गलती करेंगे और मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। तो आप समझ गए होंगे, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 2 है, आप वीडियो को पुश करके पहले स्वयं लगाएं फिर आगे प्रश्नों को देखें कैसे लगाया जा रहा है, तो आप कुछ कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। स्पेशली मैंने उन लोगों के लिए ध्यान दे रहा है जो इनिशियली हैं, शुरुआत की पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि ये उनके लिए फायदा है, क्योंकि प्रश्न जो है किसी ना किसी बोर्ड में आया हुआ है तो उसको भी फायदा हो जो तैयारी में लगे हुए हैं, खासकर ग्रुप डी NTPC जो परीक्षा चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है आपके सामने आप देखेंगे, 300 का 25% का 20% क्या होगा। ये तो बहुत ही आसान है, ऐसे प्रश्न भी आते हैं जो काफी इजी होते हैं, तो ध्यान देंगे 300 का मने गुणा हो जाएगा, 25% दिया है, फिर का मने गुणा हो जाएगा 20%। ठीक है दोस्तों, अगर देखा जाए तो 300 गुणे में ये परसेंटेज इसका मान जो 1/4 आता है, इसका मान 1/5 आता है, आप हल कर देंगे आपका आंसर आ गया, क्योंकि इसे कटाएंगे आप इस 60 बार में जाएगा, 4 से कटाएंगे आप 15 बार में जाएगा, अर्थात इसका आंसर जो होगा मात्र 15 होगा। बहुत ही आसान था, तो हमने आपको बताया, आपने देखा भी कि प्रश्न इतने आसान भी आते हैं जिसको हम सभी लोग कर पाएंगे, लेकिन हमें तो टाइम बचाना है जिस टाइम को हम और प्रश्नों में यूज कर सके। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे आप, यदि a का 20% यदि a का 20% का मान गुणा बराबर है भाई b के 50% के, तो b गुणे 50%। सबसे पहले हम अनुपात निकालेंगे इन दोनों का, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0-0 कट जाएगा, 1 × 2 आ गया, 2 × 5 आ गया, तो अनुपात का इनका आएगा जो गुणा में है। तो आप जाने हैं अभी जो गुणा में होते हैं दोनों तरफ मतलब उत्तम लेते हैं जो कि 10 आएगा। अब 10 जब आएगा लघु उत्तम, तो 2 के बगल में जो a है, a का मान कितना रखा जाए कि लघु उत्तम के बराबर इनका आ जाए, 10 आ जाए, तो जाहिर सी बात है लिखना पड़ेगा 5 a का मान अनुपात है, b के बगल में 5 है तो b का मान क्या रहना चाहिए कि इसका वैल्यू लघु उत्तम 10 के बराबर आ जाए, तो 2 रहना चाहिए, अनुपात हो गया आपका। ठीक है, जो निकाली अनुपात तो पूछा क्या है, पूछा है तो a का कितना प्रतिशत
बी है, फिर ए का पूछ दिया तो जैसा पूछेगा वो बटा में हो जाएगा। अब बी बी जो है अनुपात रूप में है ए का, ए नीचे और बी ऊपर हो जाएगा, उन्हें सौ कर देंगे। तो बी की रख दीजिए वैल्यू जो कि दो है, ए की वैल्यू जो है पांच है, अब उन्हें सौ बस कर दीजिए। ये आप बात याद रखेंगे तो गलतियां आपसे नहीं होंगी, आप कम टाइम में पर्याप्त प्रश्न कर पाएंगे। घटाएंगे आप पांच दुना के दस बीस आएगा, बीस दुना के चालीस आएगा, 40% है भाई। ए जो है ए का जो बी है 40% है। देखिए प्रश्न ऐसे आ रहा है तो आप लगाएं इसको जरूर। आइए आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट प्रश्न है, उसे हम देखते हैं लगाते हैं। कर रहा है 65 ग्राम 2 किलोग्राम कितना प्रतिशत के बराबर है, 65 ग्राम ध्यान देंगे। फिर यह का कह रहा है किसका, 2 किलोग्राम का कितना परसेंट है, तो जो का कहेगा वो बटा में रहेगा 2 किलोग्राम 2 केजी कौन भाई, तो 65 ग्राम 65 ग्राम ये है आपका। गुणे क्या करते हैं, जब बदलना होता है परसेंट में तो हम 100 से गुणा कर देते हैं। जिसके प्रति या जिसका पूछता है वो बटा में रहती है और जिससे पूछता है वो ऊपर रहता है, और गुणे में हम 100 कर दिया करते हैं जब हम बदलते हैं परसेंटेज में तो। लेकिन ध्यान देंगे जिसका हमें बदलना है उनका जो है मात्रक सेम रहना चाहिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे मात्रक सेम नहीं है। ये जो है 65 ग्राम ग्राम में है और ये किलोग्राम में है, पहले बदलेंगे इसको, 2 × 1000 ग्राम यहां करेंगे, अब जो होगा ग्राम में चेंज हो चुका है जो सबको आता है, गुणे 100 कर देंगे, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 200 यहां से कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहां भाग करेंगे 5 से, 13×5=65 और 5 से कटा चुकी, 5×10 हो जाएगा, कितना आपका वैल्यू आ गया 13/4% 13/4% ये जो है आंसर आ गया। मतलब 2 केजी का जो 65 ग्राम है वह 13/4% है। ठीक है चलिए देखते हैं कुछ और प्रश्नों को, आपके आगे सामने है स्क्रीन पे है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखें समझने का प्रयास करेंगे आप। यदि ए का 20% यदि ए का गुणा 120% है वह बराबर है बी के 80% के, बी के का मैंने गुणा 80% के बराबर है, परसेंट परसेंट कट जाएगा, शून्य शून्य कट जाएगा, 4 × 3=12 4 × 2=8। अब ए के बगल में 3 है बी के बगल में 2 है तो हम 2 और 3 = 3 लेंगे जो कि 6 आएगा। अब 3 के बगल में ए है तो ए का मान क्या रखा जाए कि लघुत्तम जो 6 आया उसके बराबर हो जाए, तो जाहिर सी बात है 2 लिखना पड़ेगा, तो ए का मान 2 तभी तो 6 हो पाएगा, ए का अनुपात 2 आ गया। और बी का मान क्या रखा जाए कि गुणा करने पर लघुत्तम बराबर आ सके, तो वो आपके सामने 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे हम 3 कर लेंगे। यानी हमने क्या किया, इस संबंधों से ए और बी का अनुपात निकाल लिया। आप देख पा रहे हैं अनुपात कितना इंपॉर्टेंट तथ्य निभा रहा है आपके सामने, तो इसलिए हम अक्सर अनुपात को ही पकड़ते हैं, अनुपात से हमारा बहुत काम हल हो जाता है। आइए सवाल देखते हैं, इसमें पूछा क्या है, तो बताना है आपको बी प्लस ए बटा में बी माइनस ए की वैल्यू क्या होगी। तो आप देखेंगे कि जो हम देख रहे हैं क्योंकि बटा में पूछ रहा है तो ऊपर और नीचे अनुपात को ले सकते हैं, जो अनुपात का वैल्यू है जब बटा में देता है तो हम अनुपात को ही उसकी वैल्यू मान ले सकते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा, जब गुणा में देगा तो अंतर आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना होगा, थोड़ा भविष्य में आपको आइडिया हो जाएगा इसके बारे में। देखिए बी का मान 2 है, ए का मान बी का मान 2 है और सॉरी बी का मान 3 है ए का मान 2 है,
दोनों जोड़ना है जो कि पांच हो जाएगा, जोड़ लीजिए आप दो तीन पांच, फिर दोनों का अंतर तीन में से दो जाएगा एक, यही ना आपका अंतर है, बी का मान ए का मान जोड़ दीजिए जो पांच आया, बी का मान ए का मान अंतर कर दीजिए जो कि एक आया, कितना मिल गया आंसर आपका पांच। देखिए दोस्तों आप इसको कितना फास्ट कर सकते हैं, अगर आप, मैं बार बार कह रहा हूं आप नोट जरूर बनाएं, अभ्यास करें, यदि हो सके तो आप पेपर संग्रह को खरीदें और उसको हल करें, मैक्सिमम प्रश्नों को हल करेंगे जो कि परीक्षा में आए हुए हैं तो फायदा होने वाला है। मैं आपको अगर तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी का ग्रुप डी का, तो मैं आपको मैथ और इंजीनियरिंग का दोनों का जो अभी शिफ्ट में आए हुए प्रश्न है उनको भी सामने आपके टिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे या जैसे भी वो सब सॉल्व करेंगे तो आप जरूर देखिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं आज का अंतिम सवाल, कह रहा है कि यदि ए प्लस बी का 20% बराबर है बी का 50% के, तो 2a माइनस बी बटा में 2a प्लस बी का मान क्या होगा। तो देखिए कोई बात नहीं, सभी ये टाइप वही है, लेकिन आप देखेंगे प्रत्येक वीडियो प्रत्येक प्रश्न हो क्योंकि किसी में कुछ भिन्न है, तो आइए हम देखते हैं। लिखते ऐसा ही है a प्लस बी का मैंने गुणा 50% करते हैं, बराबर करते हैं b का, बराबर करते हैं b का मैंने गुणा 50%, ये आपका 20% है, ये आपका 20% है, तो पहले हम बाद निकालेंगे फिर बाद में काम जो करना हो करेंगे, ये कट जाएंगे आपस में शून्य शून्य से कट जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि जो a प्लस बी एक संख्या है, अनुपात b एक संख्या है, तो 2 और 5 लघुत्तम कितना होगा 10 होगा, तो a प्लस बी पूरे का मान क्या रखा जाए 10 आ जाए, तो जाहिर सी बात है 5 रखना पड़ेगा, b का मान क्या रखें कि 10 हो जाए, तो b का मान जाहिर सी बात है रखना पड़ेगा 2, जिसे 10 हो सकता है। तो अब देखेंगे दोस्त तो a का अनुपात क्या आएगा, क्योंकि a तो बंधन के साथ जुड़ा हुआ है, तो जब दो b का मान 2 आ चुका है और a प्लस बी मिलाकर 5 है, तो b का मान 2 रखेंगे आप और कुल मिलाकर 5 है, कितना का मान आएगा 3 आएगा ना। देखिए a और b मिलाकर के 5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हमसे मतलब कुल इससे था है ना a और b के संबंध से पूछा क्या है, तो कह रहा है कि तो बताइए 2a माइनस b बटा में 2a प्लस b का मान क्या होगा, तो a का दुना कर दीजिए 6 और 6 में 2 घटा दीजिए 2, तो 4 आएगा बटा में दुना कर देंगे आप जो कि 6 आएगा, फिर 2 जोड़ देंगे b की वैल्यू को तो 8 हो जाएगा, कितना कट के आएगा तब देखेंगे 1/2 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे आप कर सकते हैं दोस्तों, इसके महत्व समझना है तो आपने बेसिक से करें और देखें आप कितना लंबा कर रहे हैं, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके इस शॉर्ट ट्रिक का इम्पोर्टेंस और महत्व समझ में आएगी। तो फिर अगले वीडियो मिलते हैं दोस्त, तब तक के लिए धन्यवाद।